हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे कि हनी कॉम्बिंग क्या है और क्या प्रिकॉशन लेने पर हम हनी कॉम्बिंग को दूर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं हनी कॉम्बिंग के बारे में। हनी कॉम्बिंग एक फिनोमिना है जिसमें कोर सेग्रीगेट और स्टोनी सरफेस विथ एयर वैट्स दिखती है जब हम लोग शटरिंग को निकाल देते हैं। तो साधारण भाषा में इसको गंजापन भी बोलते हैं कि कंक्रीट गंजी हो गई। तो उसके कारण क्या है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है कि उसका कंपैक्शन अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, यानी हमने वाइब्रेटर सही ढंग से नहीं लगाया है। दूसरा कारण क्या है, जब हम लोग कंक्रीटिंग कर रहे थे तो उस समय सेग्रीगेशन हो गया। सेग्रीगेशन होने से भी हनी कॉम्बिंग आ जाती है। तीसरा कारण है कि वाइब्रेटिंग करते समय उसके फॉर्म वर्क से स्लरी सील बाहर आ गई, स्लरी सील बाहर आने से भी हनी कॉम्ब हो जाता है। चौथा कारण है कि अगर आपका कंक्रीट मिक्स है वो मिक्स सही नहीं है और उसमें फाइन एग्रीगेट की मात्रा कम है तो भी उससे हनी कॉम्बिंग हो जाता है। और पांचवा कारण क्या है कि अगर मान लीजिए वर्किबिलिटी लो है तो उससे भी हनी कॉम्बिंग होने के पूरे चांस रहते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि हनी कॉम्बिंग ना हो? तो डिजाइन, हमारा कंक्रीट पे डिजाइन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और उसमें फाइंस की कमी नहीं होनी चाहिए, मिक्स होमोजेनियस होना चाहिए। और जब कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें ये खास बात को ध्यान रखना है कि सेग्रीगेशन नहीं हो। तीसरा पॉइंट है कंक्रीट को प्रॉपर ढंग से कंपैक्शन करना है। चौथा है कि उसका फॉर्म वर्क है वो सही ढंग से वाटर टाइट होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो स्लरी सील अगर थोड़ा बहुत भी निकल रहा है, उसमें से सीमेंट स्लरी बाहर आ रहा है, तो उसको उसमें वाइब्रेशन रोककर तुरंत ही उसके फॉर्म वर्क का जो लीकेज की जगह है उसको बंद करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपका हनी कम हो गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए, 1-3 का सीमेंट मॉर्टर तैयार कर लेना चाहिए और उसको गनी बैग से अप्लाई करना चाहिए। मान लीजिए अगर हनी कम बहुत ज़्यादा है, सरफेस बहुत ख़राब है, तो वो कंक्रीट को निकाल देना चाहिए और फिर से उसको कंक्रीटिंग करना चाहिए। तो जब रिपेयर करते समय एक बात को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिपेयर करते हैं तो कलर आपका चेंज हो जाता है। तो रिपेयर करने के बाद उसको सैंड पेपर से या कोरोमंडल स्टोन से उसको रगड़ देना चाहिए। रगड़ने से वो कलर एकदम से बराबर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको हनी कॉम्बिंग के बारे में अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।